प्रभु द्वार, मुक्ति का द्वार। भगवान शिव का कल विवाह संपन्न हुआ। कुछ काल बीत गए, कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ है। कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध किया। एक दिन की बात है, भगवान शिव अपने सहजा अवस्था में बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि परम राम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव शिव अपने सहजा अवस्था में बैठे हुए थे। उसी समय माँ पार्वती को ध्यान आया, आज भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। माँ पार्वती प्रसन्न मन से अपने स्थान से भगवान शिव के पास चली। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को आता हुआ देखा, भगवान भोलेनाथ आज बड़े प्रसन्न हैं। भगवान शिव ये देख करके प्रसन्न है कि आज पार्वती हमारे पास क्या करने आ रही है। भगवान शिव मन ही मन विचार करते हैं कि एक गंगा हमारी जटाओं से निकली है, लेकिन आज पार्वती जो हमारे मुख से राम कथा रूपी गंगा बहाने वाली है, आज उस कथा से, उस गंगा से समस्त विश्व का कल्याण होने वाला है, समस्त संसार का कल्याण होने वाला है। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हैं। माँ पार्वती जैसे ही भगवान शिव के पास पहुंची है कि जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, अपनी प्रिया जान करके भगवान शिव ने आदर नहीं किया बल्कि आदर का अति कर दिया, अति आदर। मानस जी में दो स्थान पर आदर का अति हुआ, एक यहां भगवान भोलेनाथ मां पार्वती का अति आदर कर रहे हैं और एक स्थान पर महाराज दशरथ भगवान राम भैया लक्ष्मण का अति आदर कर रहे हैं। क्या चौपाइयां कहती हैं कि अति आदर दो तनया बुलाए, अति आदर क्यों? कथा कहती है कि आपके भी जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे आयु में छोटा हो लेकिन कार्य बहुत ही उत्कृष्ट करने जा रहा हो, कार्य उसका बहुत ही श्रेष्ठ हो, तो आपका ये धर्म बनता है कि आप भी उसका अति आदर करें।
आज भगवान भोलेनाथ के पास माँ पार्वती समस्त संसार का कल्याण कराने जा रही है, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती का अति आदर किया। और उधर महाराज दशरथ ने भगवान राम भैया लक्ष्मण का इसलिए आदर किया क्योंकि भगवान राम भैया लक्ष्मण विश्वामित्र जी के सास थे, दुष्ट राक्षसों के वध के लिए जा रहे थे, यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे थे, सबका कल्याण करने के लिए जा रहे थे, इसलिए अति आदर किया। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, माँ पार्वती को अपने बाम भाग में आसन दिया भगवान भोलेनाथ ने। भगवान भोलेनाथ के समीप बैठी हुई है माँ पार्वती। माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु मेरे मन में एक संशय है जो कि आप भली भांति जानते हैं, जो मेरा भ्रम जो मेरा संशय पूर्व जन्म में था कि भगवान राम भगवान कैसे, एक साधारण से मनुष्य को आप सारे संत महात्मा मिलकर के भगवान घोषित किए हुए हैं, जबकि मैंने देखा भगवान की वन लीला चल रही थी उस समय जानकी मैया का हरण करके दुष्ट राक्षस रावण लेकर के गया था और माँ सीता के वियोग में भगवान राम विलाप करते हुए जा रहे थे। अगर वो भगवान होते तो क्या उन्हें पता नहीं होता कि हमारी पत्नी कहाँ है, कौन लेकर के गया? फिर इस प्रकार से एक साधारण मनुष्य की तरह वो विलाप क्यों कर रहे थे? प्रभु आप कहते हैं कि जो ब्रह्म होता है जो भगवान होता है उसका जन्म नहीं होता है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद उसका कभी जन्म नहीं होता, वो अजन्मा होता है, तो अगर वो अजन्मा है तो उसने जन्म कैसे ले लिया? और अगर वो एक साधारण से मनुष्य हैं, सिर्फ महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम, तो आप सभी लोग मिलकर के उन्हें भगवान क्यों कहते हैं? प्रभु पूर्व जन्म में मैं आपसे विवाद कर बैठी थी, लेकिन इस जन्म में मैं आपसे संवाद करना चाहती हूँ, विवाद नहीं चाहती, इसलिए नाथ मेरे प्रश्नों का उत्तर दें आप। कहती हैं, प्रभु आप मेरे ऊपर क्रोधित ना होइएगा, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। प्रभु किस प्रकार से भगवान राम का जन्म हुआ, किस प्रकार से भगवान गुरुकुल में जाकर के शिक्षा दीक्षा लिए, किस प्रकार से भगवान आए हैं फिर से अयोध्या वापस, किस प्रकार से धनुष भंग में पहुंचे, किस प्रकार से जानकी मैया से उनका विवाह संपन्न हुआ, किस प्रकार से राजा बनते बनते वन को चले गए, किस प्रकार से जा करके वन में जितने संत महात्मा थे सबको दर्शन दिया और अंत में किस प्रकार से दुष्ट राक्षस रावण का वध किया, किस प्रकार से जानकी मैया के साथ श्रीधाम अयोध्या जी वापस आए, और तो और किस प्रकार से भगवान ने फिर राज्य किया, और अंत में किस प्रकार से भगवान अपने परिकरों के साथ अपने धाम को गए। और नाथ जो कथा हमसे छूट गई होगी वो भी आप मुझे बताएं। जैसे ही माँ पार्वती ने इन सारी कथाओं को पूछा, भगवान भोलेनाथ के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र आ गया कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने पूरा का पूरा रामचरित्र आ गया भगवान भोलेनाथ के हृदय में। और भगवान भोलेनाथ दो दंड के लिए ध्यान में अवस्थित हो गए, ध्यान में चले गए। दो दंड का अर्थ होता है 48 मिनट, 48 मिनट के लिए भगवान भोलेनाथ ध्यान में चले गए। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अगर मैं इसी प्रकार से सुख प्राप्त करता रहा, आनंद में रहा, तो जो पार्वती हमसे प्रश्न करने आई है, जो संसार का कल्याण कराने जा रही है, फिर वो मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान भोलेनाथ ध्यान से बाहर आए और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहां पर आज कैलाश पर्वत पर सत्संग प्रारंभ हुआ, किसके बीच में, पति पत्नी के बीच में।
कोई तीसरा वहां नहीं है। कुछ लोग का ऐसा मानना होता है कि हम कहीं तीर्थ में जाकर के ही सत्संग कर पाएंगे, अपने घर में हम सत्संग नहीं कर सकते। लेकिन ये लोगों का भ्रम होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम तीर्थ में जाकर के भी घर के झंझटों में लगे रहते हैं, घर की तमाम चिंताएं होती हैं उसमें लगे रहते हैं, किस प्रकार से हमारा बच्चा होगा, किस प्रकार से हमारे नाती पोते, किस प्रकार से घर में होंगे, क्या चल रहा होगा घर में। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, और जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अपने जूते और चप्पल बिल्कुल सीढ़ी के सामने निकालते हैं, और जहाँ पर भगवान की मूर्ति होती है वहीं जाकर के भगवान का दर्शन भी करते हैं, ओम नमः शिवाय करते रहते हैं और पीछे अपना चप्पल भी देखते रहते हैं कि कहीं चप्पल तो कोई चोरी करके नहीं ले गया। इस पूजा का, इस भक्ति का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? आपका ध्यान भगवान पर नहीं है, आपका ध्यान तो चप्पल पर है। इसलिए सत्संग का कोई समय नहीं होता, सत्संग का कोई स्थान नहीं होता। सत्संग अपने घर में भी हो सकता है, सत्संग अपने परिवार के बीच में हो सकता है, अपने बाल बच्चों के बीच में। आप प्रतिदिन भोजन प्रसाद ग्रहण करें और प्रतिदिन ये नियम बनाएं कि 1 घंटे रोज हम भगवान का नाम लें सोने से पहले। अपने बच्चों को ग्रंथ की, हमारे ग्रंथ क्या है, रामचरितमानस क्या है, भागवत गीता क्या है, क्या क्या भगवान ने किया, वो सारी कथाएं बच्चों को सिखाएं। पढ़ना लिखना भी जरूरी है, लेकिन अपने सनातन धर्म को लेकर के भी चलना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा लें, लेकिन बिना सत्संग में आए उसे विवेक नहीं हो सकता। ज्ञान तो हो सकता है, बुद्धि हो सकती है, लेकिन विवेक कदापि नहीं आ सकता। अभी आज आपके समाज में जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी बने, वो सब अनपढ़ नहीं होते हैं, सब एक से एक पढ़े लिखे घर के होते हैं, एक से एक डिग्री धारक होते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई तो की, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई की, लेकिन उस पढ़ाई का सदुपयोग कहाँ करना है, उसे कहाँ लगाना है, ये उसे ध्यान में नहीं आया। इसलिए कभी भी आपके अगल बगल में कहीं भी सत्संग हो रहा हो, कथाएं हो रही हो, वहां अपने जाए ना जाए, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य लेकर के जाए। अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, अपने बच्चों को जरूर बताएं, लेकिन आज हमारे समाज की ये स्थिति है कि हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि अगर अपने बच्चों से पूछे कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, राम ने अपने जीवन में क्या किया, कन्हैया ने अपने जीवन में क्या किया, वो सारी चीजें हमें नहीं पता होती। हमारे बच्चे ये नहीं जानते कि हमारा ग्रंथ क्या है, रामचरितमानस की रचना किसने की, ये तक बच्चों को मालूम नहीं होता। आजकल हम अंग्रेजी के पीछे भागते रहते हैं। आजकल हम अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, सारी चीजें आवश्यक हैं, लेकिन अपने सनातन धर्म से जुड़े भी रहना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, वो सारी चीजें हमें अवश्य पता होनी चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चों को ये सारी शिक्षाएं आप स्वयं दें, क्योंकि स्कूल कॉलेज में सारी शिक्षाएं मिलने वाली नहीं है। नियम बनाएं कि प्रत्येक दिन घर में 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे अपने बच्चों को इन ग्रंथों की कहानियां सुनाएं, भगवान राम की गाथाएं सुनाएं, कन्हैया की गाथाएं सुनाएं, छोटे छोटे उन्हें श्लोक याद कराएं, तब जाकर के आपका बेटा संस्कारी बनेगा। आपको आगे चल करके कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अगर संस्कार बच्चे में भरा रहा तो परिवार एकजुट होकर के चलता रहेगा। फिर आपको आगे चल करके वृद्धाश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं,
कहीं बाहर शिफ्ट हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने मुझे कैसे पढ़ाया लिखाया, क्या क्या किया हमारे लिए, सारी चीजें हमारे बच्चे भूल जाते हैं। और फिर परिणाम होता है उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रख सके, और वही माँ बाप फिर वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब कि अपने माँ बाप को ही हम भूल जाएं। इसलिए बचपन से उनमें संस्कार भरिए, और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये आप कर सकते हैं, माता पिता ही कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन नियम बनाइए कि एक घंटे आधे घंटे जरूर सत्संग में लगाएं। क्यों? क्योंकि ये शरीर बार बार प्राप्त नहीं होने वाला है। 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद से आपको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, लेकिन इसे भी अगर आप पूरे जीवन ऐसे ही गंवा देंगे तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं बचेगा। जिस प्रकार से एक व्यक्ति था, अपने बच्चे को उसने 100 रुपए दिए और कहा बाजार में जाकर के फल लेकर के चले आओ। उसका लड़का गया बाजार में। बाजार में जाने के पश्चात उसने बंदर का खेल देखना प्रारंभ कर दिया, जो आजकल भी कभी कभी गांव में बंदर का खेल दिखाने के लिए लेके आते हैं। वही खेल वो भी देखने लगा, और देखते देखते संध्या हो गई, रात्रि हो गई, और देखने के पश्चात जब खेल समाप्त हुआ तो उसने 100 रुपए उस बंदर को दे दिए। वहां से जब निकला तो उसे याद आया कि पिताजी ने मुझे 100 रुपए फल लाने के लिए दिए थे, लेकिन जब दुकान पे गया तो दुकान सारी बंद हो चुकी थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो 1 रुपए का भी फल ला सके। घर पहुंचने के बाद पिता ने पूछा, ये बताओ फल लाए हो? लड़के ने उत्तर दिया कि फल नहीं लाया, दुकानें बंद हो चुकी थी। अच्छा कोई बात नहीं, अगर दुकानें बंद हुई थी तो कम से कम 100 रुपए ही वापस करो। लड़के ने कहा, ना मेरे पास 100 रुपए हैं और ना ही मेरे पास कोई फल है। उसी प्रकार से भगवान भी हमें 100 रुपए दे करके भेजे हैं, 100 साल का ये जीवन दे करके भेजे हैं, कोई ठिकाना नहीं कब समाप्त हो जाए। और वही हम भी करते हैं, हंसने खेलने में मौज मस्ती में सारी उम्र काट देते हैं, और अंत में जब जाने का समय होता है तो फिर ना हमारे पास फल बचते हैं ना वो 100 रुपए बचते हैं। ये फल कैसा? कर्म रूपी फल भगवान ने हमें लाने के लिए दिए हैं। ये 100 साल का जीवन दिया है, लेकिन ये 100 साल के जीवन को हम ऐसे ही व्यर्थ जाने देते हैं। भगवान के पास जाने के बाद जब भगवान पूछते हैं, मेरे 100 रुपए दो, मेरे फल लाओ, तो हम हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि प्रभु ना हमारे पास 100 रुपए हैं और ना हमारे पास वो कर्म रूपी फल है, कुछ नहीं हमारे पास। फिर पछतावा के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं बच जाता। इसलिए जितना भी समय है, अब भी समय है, अभी सुधर जाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान का स्मरण होता रहे, एक बहुत प्यारा पद है, आइए मिलके गाते हैं। कि काहे माया में भुलाइल बाड़त तोता हो, काहे माया में भुलाइल बाड़त तोता हो, आई खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़त तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी, छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी।
के साथ। सत्संग करिए, भगवान का भजन करते रहिए, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं कब बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े। इसलिए कोई अलग से समय भी नहीं निकालना है, बस काम करते रहो, नाम जपते रहो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बस काम करते रहिए, भगवान का नाम
जपते रहिए, कहीं अलग से कोई समय नहीं निकालना। आज भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के बीच में सत्संग प्रारंभ हुआ। भगवान जिस प्रकार से प्रतिदिन हम कथाओं में मंगलाचरण करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ भी सर्वप्रथम मंगलाचरण किए। आइए मिलके गाते हैं, ये चौपाइयाँ सबको याद होगी, सब लोग आएंगे कि मंगल भवन या और भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मंगलाचरण छोड़ के लगे माँ पार्वती का धन्यवाद देने। क्या कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई के। भगवान भोलेनाथ लगे माँ पार्वती का बारंबार धन्यवाद करने, पार्वती आप धन्य हैं, हे गिरिराज कुमारी आप धन्य हैं, आपकी जय हो। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु आप मंगलाचरण कर रहे थे, मंगलाचरण छोड़ के आप मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ उत्तर देते हैं, पार्वती मैं आपका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ, क्यों? पूछे रघुपति मेरा धन्यवाद क्यों करते हैं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। आपने भगवान की कथाओं के प्रसंगों को पूछा, और ये कथा कैसी कि सकल लोक जग पावन गंगा, समस्त विश्व का कल्याण करने वाली सकल लोक जग पावन गंगा, सबका कल्याण करने वाली ये राम कथा रूपी गंगा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और आपसे भी कथा कहती है, आपके भी जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले, ऐसा जीव मिले जो आपको ला करके भगवान के चरणों में डाल दे, भगवान की शरण तक पहुंचा दे, भगवान की कथा तक पहुंचा दे, भगवान के सत्संग तक पहुंचा दे, उस व्यक्ति को आप बारंबार धन्यवाद करिए। धन्यास्ते कृतनः पीबंती सत्तम श्री रामानामृतम, उस जीव का बारंबार धन्यवाद करिए। भगवान कहते हैं, पार्वती हे भवानी, जो व्यक्ति जो जीव जिस जीव के कान भगवान की कथा न सुने,
उस जीव के कान जानती हो कैसे? कहा कैसे? उस जीव के कान सांप के बिल के समान है। जो सांप का बिल होता है उसका कान सांप के बिल के समान। कहा हे भवानी, जो नित्र भगवान के दर्शन ना करे उसके नित्र मोर के पंखों पर बने नकली आंख के समान है। उस नेत्रों का कोई मतलब नहीं। और तो और, जिस जीव के, जिस प्राणी के हृदय में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, जिसका हृदय भगवान की कथा को सुन करके प्रसन्न नहीं हुआ, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वो हृदय हृदय नहीं वज्रवत है, वो हृदय नहीं। और अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिस जीव का सिर कभी अपने बड़ों के सामने, कभी भगवान के सामने, कभी संतों के सामने कभी झुके नहीं, वो कड़वी लौका के समान है, उसका कोई मतलब नहीं। और तो और भवानी, जिस व्यक्ति के, जिस जीव की जिह्वा ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का भजन नहीं किया, उस जीव की जिह्वा जानती हो कैसे? माँ पार्वती ने पूछा कैसी? कि जो नहीं करई का करई राम गुण गाना। जिस व्यक्ति की जिह्वा ने भगवान का गुणगान नहीं किया उसकी जिह्वा कैसी? कि जी सुदा दुर जी समाना। उस व्यक्ति की जिह्वा दादुर के समान। अमर कोश में दादुर के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन दो अर्थ आपको बताऊं कि पहला मेढक, जो दिन रात टर टर किए रहता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, उस व्यक्ति की जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान। और दूसरा दादुर, दादुर कहें तो चमगादड़ को आप देखे होंगे, हमेशा उल्टा लटका रहता है, वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से छय भी करता है। अब आप सोच सकते हैं उसकी जिह्वा कैसी। इसलिए अगर आपको अपनी जिह्वा ऐसी बनानी है तो भगवान का गुणगान न करें, लेकिन जिसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा के समान नहीं है वो मेरे साथ गाएं। हमारे घर में या फिर पुरानी जो भी माताएं थी, बड़े ही प्यार से इस भजन को गाती थी, आप सबको भी याद होगा, मेरे साथ गाइए। अरे राम ही राम रटन लागे जी भैया, राम ही राम रटन लागे जी भैया, कहे हरि दर्शन कर बैरा मां, कहे हरि दर्शन कर बैरा मां, अखिया कहे हरि दर्शन कर बैरा मां, अखिया कहे हरि दर्शन कर बैरा मां, हथवा कहे हम हम दान रटन लगे
रटन लागे जी भैया। इसलिए दिन रात भगवान का नाम लेते रहिए, अपनी जिह्वा को दादुर की जिह्वा न बनाइए, अपनी जिह्वा को मेढक की जिह्वा न बनाइए, अपनी जिह्वा को चमगादड़ की जिह्वा न बनाइए। ये आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो मनुष्य की जिह्वा ही बने रहने लीजिए। भगवान भोलेनाथ इस प्रकार से माँ पार्वती को बताते हुए कहते हैं, देवी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएँ अनंत हैं, मैं क्या बताऊँ भगवान के विषय में। आपने कहा कि सगुण और निर्गुण क्या अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? भवानी, ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। आपको व्यवहारिक उदाहरण में समझाऊं। जिस प्रकार से जल है, उसको गिलास में रखिए वो गिलास के आकार का बन जाएगा, उसको कटोरी में रखिए वो कटोरी के आकार का बन जाएगा। अर्थात पानी का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है। आप जिस पात्र में रखेंगे वो उसी आकार का बन जाता है। लेकिन अगर उसी पानी को बर्फ बना दिया जाए तो उस पानी को एक आकार मिल जाता है, वो ठोस जब बनता है तो वो एक आकार में आ जाता है। है तो पानी ही, उसी का बर्फ भी बन गया, उसी का भाप भी बन गया, लेकिन तत्व एक ही है। उसी प्रकार से भगवान भी एक ही हैं, लेकिन बस जिस स्वरूप में भक्त भगवान को बुलाता है भगवान चले आते हैं। अगर भक्त कहता है, भगवान का स्वरूप अगर बन जाता है कि प्रभु अब की बार आप धनुष बाण लेकर के आइए, भगवान राम बन के आते हैं। भक्त कहता है प्रभु इस बार बांसुरी धारण करके आइए, भगवान कन्हैया बन करके चले आते हैं। इस प्रकार से जिस रूप में भक्त भगवान को बुलाता है उस रूप में भगवान चले आते हैं। कि जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, और भक्तों से मेरे प्रभु का कुछ ऐसा ही है। भगवान को जिस रूप में भक्त बुलाता है भगवान उसी रूप में चले आते हैं। कि पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को, अगर भगवान को पाना है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक उपाय है, प्रेम करिए भगवान से। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वो निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म भक्त के प्रेम के कारण सगुण साकार के रूप में आ जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप कहें कि भगवान बुद्धि से मिलते हैं तो भगवान बुद्धि से नहीं मिलते, ज्ञान से नहीं मिलते। भगवान आयु देख करके अगर मिलते तो प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को कदापि दर्शन ना होते उस आयु में। तो भगवान को आयु से नहीं प्राप्त किया जा सकता, भगवान को बुद्धि से नहीं प्राप्त किया जा सकता, भगवान को ज्ञान से नहीं प्राप्त किया जा सकता। देखिए बुद्धि की बात आई तो एक बात याद आ गई। एक व्यक्ति था तो उसका विवाह हो गया, तो विवाह के पश्चात जब उसकी दुल्हन घर में आई तो धीरे धीरे एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, एक हफ्ते बीत गए। एक हफ्ते जब बीत गए तो पत्नी ने पूछा, ये बताइए आप कहीं बाहर ऑफिस नहीं जाते हैं, काम करने नहीं जाते हैं? पिताजी ने तो कहा था कि आप बहुत बड़े वाले ऑफिसर हैं। लड़के ने कहा, वो तो अब भी हूँ। कहा, आप जाते नहीं हो कहीं, आप तो दिन रात घर में ही रहते हो। लड़की ने मन ही मन विचार किया, हो सकता है शादी विवाह का माहौल था इसलिए नहीं जाते होंगे। लेकिन ऐसे करके दो हफ्ते बीत गए, पति कहीं नहीं गया। पिताजी के पास फोन किया लड़की ने, कहा ये तो कहीं जाते नहीं, आप तो कहे थे कि बहुत बड़ा ऑफिसर है लड़का। फिर तो पिताजी ने उस लड़की के पास फोन किया,
कहा ये बताइए दामाद जी, आप कहीं ऑफिस नहीं जाते? आपने तो कहा था कि आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आपने कहा था कि आप GFO हैं। तो दामाद जी ने कहा वो तो अब भी मैं GFO ऑफिसर हूँ। तो सास ससुर ने पूछा ये बताओ GFO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लड़के ने कहा कि गोबर फेंकवा ऑफिसर, गोबर फेंकवा ऑफिसर, वो तो अब भी हूँ। तो देखिए भाई ये सच्ची घटना है, विवाह करने जाइए अपनी बिटिया का तो थोड़ा जांच परख लीजिए, अगर कोई ऐसा बंदा मिले जो कहे मैं GFO ऑफिसर हूँ तो भाई उसका फुल फॉर्म यही होता है। तो भगवान बुद्धि से नहीं मिलते, आयु से नहीं मिलते, ज्ञान से नहीं मिलते, भगवान को पाने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा देवी हे भवानी, वेद पुराण जिनके विषय में ऐसा कहते हैं कि मेरे भगवान बिना पांव के ही चलते हैं, बिना हाथ के ही सारे कार्य कर लेते हैं, बिना नेत्रों के ही सबको देखते हैं, पूरे संसार को देखते हैं, बिना जिह्वा के ही सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर के ही सब कुछ स्पर्श कर लेते हैं, ऐसा वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। मैं अपने प्रभु के विषय में और क्या बताऊं आपको, मैं तो इतना कहता हूं कि अगर काशी जी में जीव के मरने की बात तो छोड़िए, काशी जी में अगर एक छोटा सा जंतु भी मर जाए तो उसे मरते समय मैं उसके कान में जाकर के राम का नाम सुना देता हूं और उसे मुक्त करके अपने धाम को भेज देता हूं। ये मेरे वही प्रभु हैं। हे पार्वती आप संशय ना करिए। माँ ने पूछा प्रभु आते कब हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी कि जब जब हो ही धर्म के हानि और बाढ़ ही असुरा अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु का अवतार होता है। और ध्यान रखिएगा भगवान आज तक किसी दुष्ट राक्षस के लिए जन्म नहीं लिए। हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, सदैव भगवान सज्जनों के लिए अवतार लिए, भक्त के लिए अवतार लिए, गौ माता के लिए अवतार लिए, धरती माता के लिए अवतार लिए, इन सब की रक्षा के लिए भगवान अवतार लिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुर आतंक मचा देते हैं, त्रास देने लगते हैं गौ माता को, धरती मैया को, भक्त जन को, साधु संत महात्माओं को, तब तब प्रभु का अवतार होता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जन्म एक दुई कहूं बखानी। मैं आपको 5 जन्मों की कथा सुनाता हूं। भगवान के आने का क्या कारण था? भगवान ने पहले जन्म का कारण बताया कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय और विजय, एक बार सनकादिक ऋषि पहुंचे भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए, लेकिन जय और विजय द्वारपाल द्वार पर ही खड़े थे, उन्हें जाने नहीं दिए। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। भगवान विष्णु दौड़े भागे आए, कहा सरकार ये क्या कर दिया? ऋषियों ने कहा कि जब जब ये अवतार लेंगे, जब जब ये राक्षस बनेंगे, तब तब आपको भी अवतार लेना पड़ेगा इनके उद्धार करने के लिए। वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में वही हिरण्याक्ष वही हिरण्यकश्यप रावण और कुंभकर्ण बने, और वही रावण कुंभकर्ण तीसरे जन्म में दंतपाल शिशुपाल और दंतवक्र बने। जन्म का पहला कारण। जन्म का दूसरा कारण आता है जो आप सभी के घर में तुलसी मैया का विरवा है। ये पूर्व जन्म में वृंदा थी, इनका नाम वृंदा था। राक्षसी कुल में पैदा होने के बाद भी भगवान से अत्यंत स्नेह था, अत्यंत प्रेम था, भगवान की बड़ी भक्त थी। एक राक्षस से उनका विवाह हो गया जिसका नाम था जालंधर। विवाह के पश्चात भी तुलसी मैया उसी प्रकार से भगवान की भक्ति पूजा करती थी। इतनी पतिव्रता थी कि जालंधर को कोई युद्ध में हरा ही नहीं पाता था,
कोई परास्त नहीं कर पाता था, लेकिन जालंधर सभी देवताओं को लगा त्रास देने। सब परेशान हुए, सब गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी लेकर के सबको भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा क्या करूं? देवताओं ने कहा सरकार छल करिए। एक दिन की बात है, जब जालंधर युद्ध में जा रहा था, वृंदा ने कहा आप युद्ध में जाइए, मैं इधर पूजा में बैठी हुई हूँ, और जब तक मेरी पूजा चलेगी आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। एक माला पहना दी जालंधर के गले में, कहा जब ये माला टूट जाएगी आप परास्त हो जाओगे। उसी समय जैसे ही जालंधर चला है युद्ध के लिए, भगवान विष्णु रूप बना करके जालंधर का ही माँ वृंदा के पास चले आए। जैसे ही वृंदा ने देखा कि जालंधर मेरे पति चले आए, वृंदा मैया तुरंत पूजा छोड़ करके और भगवान विष्णु के चरणों में पड़ जाती हैं। जैसे ही भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श हुआ, सतीत्व भंग हुआ, पूजा खत्म हुई, उधर जालंधर युद्ध में मारा गया, परास्त हो गया। जालंधर का शव आकर के वृंदा के सामने गिरा। उसी समय भगवान विष्णु भी अपने स्वरूप में चले आए। वृंदा ने देखा कि इतना बड़ा छल भगवान विष्णु ने मेरे साथ किया। जिस भगवान की इतनी पूजा में करती रही, आज वही भगवान मेरे साथ इतना बड़ा छल किए। वृंदा ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को, जाइए पत्थर के बन जाइए। भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए, पत्थर के बन गए, बिल्कुल काले से। सारे संसार में अंधकार छा गया, सारी पृथ्वी के लोग त्राहिमाम करने लगे, सब परेशान हो गए। वृंदा के पास सभी देवी देवता आकर के क्षमा मांगने लगे, कहे ने मुक्त करो वरना सब विनाश हो जाएगा। वृंदा मैया ने भगवान विष्णु को मुक्त किया है और स्वयं को वहीं पर अपने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं को भस्म कर डाला, और उसी भस्म से एक तुलसी का बिरवा, एक पौधा निकल गया। भगवान विष्णु ने देखा और यहीं पर माँ वृंदा को भगवान ने वरदान दिया कि आज से मेरा एक और नाम होगा शालिग्राम, और शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह हमेशा होता रहेगा, और जब तक मेरे भोग में, मेरे भोजन में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। इसी कारण जब भी ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो तुलसी मैया का दल अवश्य डालना चाहिए, तुलसी पत्ता अवश्य डालना चाहिए, वरना भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते। जन्म का दूसरा कारण। अब जन्म का तीसरा कारण आता है नारद मोह। आप सभी जानते होंगे, एक बार की बात है, नारद जी को श्राप मिला था कि आप कहीं भी क्षण भर से ज्यादा टिक नहीं सकते। और श्राप दिया किसने था? मां सती के पिता दक्ष ने। दक्ष ने श्राप दिया इस कारण कि ब्रह्मा जी ने दक्ष को पूरे संसार की वृद्धि करने की जिम्मेदारी दी थी, तो दक्ष के जितने भी पुत्र होते थे, नारद जी उन पुत्रों के पास जाकर के बैठ जाते थे और बैठ करके घंटे दो घंटे में न जाने कौन सी शिक्षा प्रदान करते थे कि वो बच्चे अपना झोली वोली लेकर के सब बैरागी बन करके निकल जाते थे, विरक्त बन जाते थे। अब दक्ष ने सोचा कि इस प्रकार चलता रहेगा तो फिर संसार की वृद्धि कैसे होगी जब सब विरक्त ही बन जाएंगे, अच्छा इनका स्टॉपेज कम किया जाए। दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को, जाइए आप कहीं क्षण भर से ज्यादा टिक नहीं सकते, ना क्षण भर से ज्यादा टिकेंगे, ना मेरे बच्चों को कोई शिक्षा देंगे, और ना ही मेरे बच्चे वैरागी बनकर के कहीं वन में जाएंगे। श्राप मिल गया नारद जी को। लेकिन एक बार हिमालय की परिक्रमा करते समय एक परम रम्य आश्रम दिखाई पड़ा और नारद जी की घोर समाधि लग गई। कहते हैं ना कि हर जगह संसार में श्राप काम कर सकता है, सब कुछ काम कर सकता है, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां पर कोई श्राप काम नहीं करता। जिस नारद जी को ये श्राप था कि आप क्षण भर से ज्यादा टिक नहीं सकते एक स्थान पर, आज वही नारद जी की घोर समाधि लग गई। कहने का अर्थ है कि जिस पर रघुनाथ जी की कृपा बनी रहेगी उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। कि जिसके लागे रे लगन भगवान में,
जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान बिगड़े काम रे। अनहोनी
साथ गाएंगे। हो जिसकी लागी रे, हो जिसकी लागी रे, हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा। उसका दिया रे जलेगा तूफान में, जिसकी भगवान से लगन लग जाएगी उसका दिया तूफान में भी जलेगा, तूफान भी उस दिए को नहीं बुझा सकता। नारद जी की घोर समाधि लग गई, जब इंद्र ने देखा इंद्रासन डोलने लगा। अब इंद्र भगवान को चिंता हो गई, कहीं कुर्सी न छिन जाए। आजकल सभी को अपने अपने कुर्सी की चिंता होती है, एक साधारण व्यक्ति भी अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, कहीं छोड़ के हटे दूसरा न बैठ जाए। तो इंद्र भगवान को भी अपने कुर्सी की चिंता हो गई, अब क्या करें। कामदेव को भेजा, जा करके तपस्या भंग करो नारद की। कामदेव जी आए और लाख प्रयत्न किए, नारद जी समाधि से बाहर नहीं आए, ध्यान से बाहर नहीं आए। लेकिन इस कथा से एक सूत्र समझिएगा, जैसे ही जीवन में आपको मान सम्मान मिलने लगे, समाज के लोग आपको दंड प्रणाम करने लगे, उस समय आपको सावधान होने की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्योंकि वही समय होता है कि आप बन जाते हैं या तो बिगड़ जाते हैं। अहंकार आ जाता है, मद आ जाता है, घमंड आ जाता है, अब तो हमें चार लोग प्रणाम कर रहे हैं, अब तो मैं सबसे बड़ा हो गया हूं, और इसी में सब कुछ अपना सर्वस्व खो देते हैं। यही समय होता है संभलने का। नारद जी समाधि में बैठे रहे, कामदेव ने लाख प्रयत्न किया, लेकिन नारद जी ध्यान से बाहर नहीं आए। लेकिन जैसे ही कामदेव अंत में हार मान करके नारद जी के चरणों में पड़ गए, दंडवत कर दिया, नारद जी ध्यान से बाहर चले गए। जैसे ही प्रणाम मिला, ध्यान से बाहर आ गए, समाधि समाप्त हो गई। ध्यान से बाहर आए, देखा पांव पे कामदेव पड़े हुए हैं, कामदेव को उठाया। कामदेव जी ने क्षमा मांगा, नारद जी ने उन्हें विदा किया, कहा जाइए कोई बात नहीं। अब उसी में बगल में किसी ने नारद जी से कह दिया कि नारद जी यही काम कामदेव जी करने गए थे भगवान भोलेनाथ के पास, तो भगवान भोलेनाथ ने क्षमा करना तो दूर, जला करके कामदेव को भस्म कर डाला। और देखिए आप कितने बड़े हैं कि आपने क्षमा भी कर दिया और जला के भस्म भी नहीं किया। आपने तो कामदेव को ही परास्त कर दिया, कामदेव को जीत लिया आपने। अब नारद जी ने सोचा ये सूचना चल के कम से कम सबको देनी तो चाहिए, और सबसे पहले ये सूचना उस तक पहुंचनी चाहिए जिसने ये कार्य किया है। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, बाबा ने पूछा कहाँ थे ऋषिवर। नारद जी ने कहा अब प्रभु क्या बताएं, बड़े दिन से समाधि में थे, ध्यान में अवस्थित थे, और आपको पता है मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, और इतना ही नहीं परास्त तो किया, क्षमा करके वापस भेज दिया। प्रभु आप तो जला करके राख कर दिए थे, लेकिन मैंने क्षमा कर दिया। बाबा तो सारी बात समझ गए, कहे नारद जी एक काम करिए, ये बात आपने हमसे कह दी, लेकिन ये बात जाकर के भगवान विष्णु को न बताइएगा। अब नारद जी के मन में लगा कि लगता है हमसे जल रहे हैं, इसीलिए चाहते हैं हमारी कीर्ति को कोई जाने ना, हमारे यश को कोई ना जाने, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जरूर बताऊंगा। और पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुंचे, नारद जी सोचने लगे ऐसा होता कि कुछ ऐसा भगवान पूछ देते हमसे कि हम अपनी बात कह देते, भाई बात को रखने का कोई क्लू तो चाहिए। तब तक भगवान विष्णु ने पूछ दिया, कहिए प्रभु, हे ऋषिवर देवर्षि नारद, आप कहाँ थे इतने दिन से। बस अब तो मिल ही गया इनको। देवर्षि नारद ने कहा क्या बताऊं सरकार, ध्यान में था,
बड़े दिनों से तपस्या चल रही थी हमारी, और आपको पता है मैंने कामदेव को परास्त कर दिया और परास्त करके क्षमा भी कर दिया। जैसे ही भगवान विष्णु ने सोच देखा, नारद जी की बातें सुनी, भगवान नारायण को लग गया कि भक्त के अंदर अहंकार का बीज पल रहा है और अगर जल्दी से समाप्त नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ा राक्षस का रूप बना लेगा, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, इसको शीघ्र काट दिया जाए। अब भगवान नारायण मन ही मन विचार कर रहे हैं नारद जी से। नारद जी कहते हैं, प्रभु सब कुछ जो कुछ भी हुआ सब आपके कारण हुआ, और मनवा में चल रहा है कि सब मेरा पुरुषार्थ है, ऊपर से कह रहे हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत व्यवस्था कर दी। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे बढ़े। आगे गए तो एक नगर था, एक नगर दिखाई पड़ा जिसमें शील निधि नाम के एक राजा रहते थे। नारद जी सोचे कि जब मैं पहले आता था तब तो ये नगर नहीं था, लेकिन आज ये बीच में कहां से आ गया। अच्छा, हो सकता है कि बीच में बन गया, मैं बहुत दिनों से समाधि में भी तो था। पहुंचे शील निधि नाम के राजा के पास। जैसे ही गए, उनकी एक बेटी थी विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी आई, देवर्षि नारद को प्रणाम किया। अब देवर्षि नारद से शील निधि ने कहा, महाराज एक काम करिए, आप जरा हमारी बिटिया के हाथ देख करके बताइए इसके भाग्य में क्या लिखा है। देवर्षि नारद विश्वमोहिनी के हाथ को देखने लगे, और हाथ देखने लगे तो उस बिटिया के हाथ को नहीं देख रहे, विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी, उनका नाम ही विश्वमोहिनी था, इतनी सुंदर थी कि नारद जी हाथ छोड़ करके चेहरा देखने लगे। शील निधि ने कहा, महाराज चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाया, हाथ देखने के लिए कह रहे हैं। नारद जी ने कहा, हाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं, और हाथों तो नहीं देख रहे हैं, बेवजह बस ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं और कुछ देखा नहीं, बस झूठ मूठ में कह दिया आपकी बिटिया बड़ी सुशील है, बड़ी सुंदर है, ये है वो है, जो भी गुण थे सब बता दिए। और उस लड़की के हाथ में लिखा था, हाथ की रेखाएं ये कह रही थी कि इस लड़की का जिससे विवाह होगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा। और नारद जी हाथ तो देख नहीं रहे थे, चेहरा देख रहे थे। नारद जी को लग गया कि इस लड़की का जिससे विवाह होगा, विवाह के पश्चात लड़का तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा। उल्टा पड़ गया। अब नारद जी ने सोचा कि किस प्रकार से मैं इससे विवाह करूं, समय भी नहीं है, आज ही स्वयंवर है, क्या करूं मैं। हे विधि मिले कवन विधि बाला, अब किस प्रकार से ये मुझे प्राप्त हो, समय भी नहीं कि तपस्या करूं, भगवान से आशीर्वाद में इसे मांग लूं, वरदान में मांग लूं, क्या करूं मैं। सोचा कोई बात नहीं, चलो भगवान नारायण को यहीं बुलाते हैं, और लगे भगवान नारायण को बुलाने। आइए हम सब मिलके बुलाते हैं भगवान को, कि श्रीमन नारायण नारायण चले आए।
नारद जी के सामने उपस्थित हुए। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, कहा कही देवर्षि नारद किस प्रकार से याद किए, कैसे कैसे याद किए। नारद जी ने कहा प्रभु कुछ आपसे मांगना था। कहा क्या मांगना था। कहा प्रभु आपका चेहरा उधार चाहिए। कहा चेहरा उधार चाहिए, क्या करेंगे, आ तो हम ब्याह करब। अच्छा, भगवान विष्णु सोचने, अच्छा बेटा चेहरा हमारा ब्याह तो आर, ये होता ये संभव है। किसी का कपड़ा उधार लिया जा सकता, किसी का जूता उधार लिया जा सकता, लेकिन अब कोई कहे कि आप अपना चेहरा उधार दीजिए, ये संभव है भाई। जिसका चेहरा रहेगा विवाह तो उसी का होना है। लेकिन मांगते समय नारद जी के मुख से एक बात निकल पड़ी और उसी बात ने नारद जी का कल्याण कर दिया। और हमारे भी मुख से, हम सभी के मुख से दिन रात यही बात निकलनी चाहिए। क्या कि जही विधि नाथ होई ही तमोरा और करहूं सुबेगी दास में तो जही विधिनाथ होई हित मोरा। प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए, लेकिन शीघ्र करिए, मेरे पास समय नहीं है। भगवान नारायण ने कहा हित, नारद जी आप हित की बात कर रहे हैं, मैं आपका परम हित करूंगा, जाइए आपको वरदान दिया मैंने। और भगवान श्री हरि ने नारद जी को बंदर का चेहरा दे दिया। नारद जी तो फूले समाये नहीं जा रहे हैं, प्रसन्न है कि आज तो मुझे भगवान का ही चेहरा उधार मिल गया, जो विश्वमोहन है, संसार में उसके जैसा सुंदर कोई है नहीं, आज उसका चेहरा मुझे उधार मिल गया, आज तो मैं उसका चेहरा पा लिया हूं, अब मुझे माला मिलने से कोई रोक नहीं सकता। नारद जी पहुंचे सभा में, लेकिन जब नारद जी गए तो सबको नारद जी के ही स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं, सिवाय एक विश्वमोहिनी के, और वहां भगवान शिव के दो रुद्रगण थे, उन दो के, इन तीनों को मात्र बस बानर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, बाकी सबको देवर्षि नारद ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे सभा में पहुंचे, सब देवर्षि नारद जान के सबने इनको प्रणाम किया और इनको लगा कि आज तो मुझे भगवान का स्वरूप मिला है, इसलिए मुझे सब प्रणाम किए जा रहे हैं। दो पंक्तियां लगी हुई थी, सिंहासन लगे हुए थे। नारद जी मन ही मन विचार कर रहे कि पहली वाली पहले सिंहासन पर बैठ जाना है, क्या पता अगर बाद में बैठा रहा कहीं माला कोई दूसरा लेके गया तो, इसलिए पहले ही सिंहासन पर बैठ गया, कोई अवसर छूटने न पाए। जैसे ही पहले सिंहासन पर बैठे, पीछे भगवान शिव के दो रुद्रगण थे, अब लगे आपस में बात करने, देखो देखो कितना सुंदर राजकुमार आया है, इसके जैसा सुंदर राजकुमार तो हमने देखा ही नहीं, कौन सी ऐसी माता होगी जो इतने सुंदर से राजकुमार को जन्म दी होगी। अब नारद जी को लग रहा है सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, थोड़ा सा और टाइट बैठ गए सीना चौड़ा करके कि आज मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। प्रसन्न है नारद जी, उधर से भी सुमोहिनी वरमाला लेकर के चली आई। अब जैसे वरमाला लेकर के आई, नारद जी पर ध्यान गया, देखा विकराल बंदर का स्वरूप, विश्वमोहिनी क्रोधित हो गई और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति में गई ही नहीं, दूसरे पंक्ति में विश्वमोहन बैठे हुए थे और उसी पंक्ति में जाकर के विश्वमोहिनी ने विश्वमोहन के गले में वरमाला पहना दी, विवाह हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, विवाह संपन्न हो गया। श्री हरि लेकर के चल पड़े विश्वमोहिनी को वहां से। अब इधर नारद जी मन ही मन विचार करने लगे, आखिर मिस्टेक हुआ तो हुआ कहां से, सुंदर भी लग रहे थे, पहले आसन पर भी बैठे थे, पहली पंक्ति में भी बैठे थे, आखिर गलती हुई कहां से। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि भगवान से तो मैंने चेहरा उधार लिया था, फिर भगवान से सुंदर दूसरा कौन हो गया। अभी मन ही मन विचार कर रहे थे तब तक जो भगवान शिव के दो रुद्रगण थे, उन गणों ने कहा कि देखिए बाबा जी, अरे इस चेहरे पर इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म विवाह नहीं होगा,
जरा अपने शकल तो पानी में देखिए। नारद जी ने अपने चेहरे को पानी में जैसे ही दिखा, विकराल बंदर का स्वरूप, नारद जी को क्रोध आया। कहा, इतना बड़ा कपट हमारे साथ भगवान विष्णु ने किया, दयहूं श्राप की मरहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। अरे आज मैं इन्हें श्राप दूंगा या तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा, आज मेरा इतना उपहास कराया इन्होंने। क्रोधित हुए चले जा रहे हैं। भगवान नारायण ने सोचा कहीं नारद जी का क्रोध शांत ना हो जाए, बीच में यहां तक पहुंचते पहुंचते चल के थोड़ा सा आग में और घी डाला जाए। भगवान श्री हरि ने रथ पे एक तरफ माँ लक्ष्मी को बिठाया, एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठाया और बिठा करके चल पड़े। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। कहा, और महाराज क्या हाल चाल है, कहाँ से आ रहे हैं? अब तो जैसे ही नारद जी ने देखा, एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ विश्व मोहिनी, अरे तो वही विश्व मोहिनी है। कहा, इतना बड़ा छल आपने हमारे साथ किया, इतना बड़ा कपट आपने हमारे साथ किया। नारद जी और क्रोधित हो गए। कह, मैं आपसे चेहरा उधार मांगने गया था, आपने मेरा बंदर का स्वरूप बना दिया। अरे आप बहुत बड़े कपटी हैं, मैं आपके कपट को उसी दिन जान गया था जब समुद्र मंथन के समय, जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय लक्ष्मी निकली तो स्वयं ले लिया, और जहर निकला, विष निकला तो भगवान शिव को पान करा दिया। आपके कपट को मैं उसी दिन जान गया था। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, जिसको चाहते हैं, जिसके साथ बुरा कर देते, जिसके साथ अच्छा कर देते, जो मन में आता वो करते, लेकिन आपने अच्छे घर बयाना दिया है। आज आपको ठीक करके रहूंगा, परम स्वतंत्र न सिर पर को, आपके सिर पर कोई है तो नहीं, अपने मन से जो इच्छा आप करते हो, लेकिन आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, जाइए, मैं आपको 3 श्राप देता हूं। नारद जी ने 3 श्राप दिए भगवान विष्णु को। पहला श्राप, जिस मनुष्य का शरीर आपने धारण किया वही मनुष्य का शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप, बंदर का स्वरूप आपने मेरा बनाया, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, जिस प्रकार से आज मैं विश्व मोहिनी के वियोग में रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी अपनी पत्नी के वियोग में विलाप करेंगे, रोएंगे। 3 श्राप दे दिया। जैसे ही 3 श्राप मिला, भगवान नारायण के पास ना लक्ष्मी जी ना विश्व मोहिनी, भगवान के सामने कोई नहीं था। इधर नारद जी के सामने, भक्त के सामने, भक्त का सिर्फ और सिर्फ भगवान खड़ा था। जब हरिमाया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, ना वहाँ लक्ष्मी ना वो राजकुमारी, कोई नहीं था। नारद जी ने कहा, महाराज प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हे नाथ मुझे क्षमा करें आप। भगवान ने कहा, नारद जी आपने श्राप दिया नहीं, मैंने श्राप लिया आपसे। जाइए भगवान शिव के नाम का उच्चारण करिए, आपके मन को शांति मिलेगी। और वही भगवान शिव के 2 रुद्रगण थे, उन गणों को भी श्राप दे दिया नारद जी ने, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। वही राक्षस रावण और कुंभकर्ण बने और भगवान राम का अवतार हुआ, जन्म का 3रा कारण। जन्म का 4था कारण आता है मनु शत्रुपा मैया की कथा। मनुजु ने घोर तप किया शत्रुपा मैया के साथ, भगवान प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई, मांग मांग बर भय नभवानी, आकाशवाणी हुई, भगवान प्रकट हुए हैं। और मनु जी ने वरदान मांगा भगवान से, वरदान मांगा, पहला वरदान मांगा कि प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए। जब भगवान का स्वरूप मनु जी ने देखा, देख करके प्रसन्न हो गए, कहे इनको देख करके मेरा मन भरता ही नहीं है, जब ये इस समय इतने सुंदर हैं तो इनका बाल स्वरूप कैसा होगा, ये बचपन में कैसे लगेंगे, लेकिन इन्हें कैसे मैं मांगू कि आप ही मेरे पुत्र के रूप में चले आइए। संकोच बस कह नहीं पा रहे हैं तो मनु जी ने भगवान से कहा, प्रभु चाहे तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवाना दुरा, प्रभु आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे समान इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, जाइए मैं आपको वरदान देता हूं, मैं स्वयं आऊंगा आपके घर पुत्र के रूप में।
मनु जी ने थोड़ी चालाकी की, कहा प्रभु मैंने आपको नहीं मांगा, आपके समान मांगा। भगवान ने एक और वरदान दिया, कहा जाइए मेरे समान भी एक होगा, और वही श्री भरत जी के रूप में अवतरित हुए। दो वरदान मांगे, इधर शत्रुपा मैया ने भगवान की विमल भक्ति मांगी है, और अंत में महाराज मनु ने एक और वरदान मांगा, कहा प्रभु अंत में एक मुझे और वरदान दे दीजिए। क्या? कि मणि बिनु फणिजी मीस, जल बिनु मीना, और मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। प्रभु अगर हमारा आपसे प्रथम बार वियोग हो, तो जिस प्रकार से सर्प से उसकी मणि छीन ली जाती है और सर्प जितना बेचैन रहता है, उसी प्रकार से मैं आपके बिना बेचैन रहूं। और जब आपसे दूसरा वियोग हो, तो जिस प्रकार से मछली को जल से अगर बाहर कर दिया जाता है तो अपने प्राणों का त्याग कर देती है, उसी प्रकार से मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। और यही हुआ जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम चले गए, तो जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प बेचैन रहता है, उसी प्रकार से महाराज दशरथ बेचैन थे। और जब दूसरा वियोग हुआ, भगवान राम वन को गए हैं, उस समय महाराज दशरथ इस वियोग को सहन नहीं कर पाए और तिनके के समान अपने प्राणों की आहुति दे दी। जन्म का चौथा कारण और जन्म का पांचवा कारण आता है, कैके देश के नरेश सत्य केतु, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं प्रताप भानु, छोटे पुत्र हैं अरिमर्दन, और उनके मंत्री जो थे उनका नाम है धर्मरुचि। कथा तो बहुत लंबी है ये, लेकिन संक्षिप्त में इसका सार यही है कि प्रताप भान को क्षण भर के लिए एक कपटी मुनि का संग मिला, जो एक राजा था लेकिन संत का स्वरूप बना करके रखा हुआ था, और अपना नाम रखा था एक तनु। रात्रि के समय एक क्षण का, कुछ देर का सत्संग प्राप्त हुआ, उस कपटी मुनि का संग प्राप्त हुआ, और उसी का परिणाम रहा कि प्रताप भानु अपने पूरे परिवार सहित राक्षस बन गए। मुनियों ने श्राप दे दिया, जाइए आप पूरे परिवार सहित राक्षस बन जाइए। देखिए सत्संग अगर क्षण भर का भी प्राप्त हो जाए तो जीवन की दशा बदल जाती है, और अगर कुसंग भी क्षण भर के लिए प्राप्त हो जाए तो भी जीवन की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार से एक छोटा सा दृष्टांत है। एक व्यक्ति के पास दो तोते थे, तो बाजार में लेकर के आया उन दो तोतों को। एक तोता 1,00,000 रुपए का था और एक तोता मात्र 10 रुपए का था। बाजार वालों ने पूछा, ये बताओ दोनों में अंतर क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, आप घर ले जाओगे आपको स्वयं अंतर समझ में आ जाएगा। अब लोगों ने सोचा, भाई इतना महंगा कौन लेने जाए। जो वहां के राजा थे, राजा आए और उन दोनों तोतों को खरीद लिए। रात्रि के समय एक जो तोता था, जो 1,00,000 का था, उसको अपने कक्ष में रखे। तो जैसे ही प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही 4 बजे भोर के समय लगा राम राम बोलने। कहा, ए राजा राम राम बोलिए, मेरे साथ गाइए, राम राम कहिए, सीता राम बोलिए, बड़े प्रेम से मीठे स्वरों में बोलने लगा। राजा ने देखा, ये तो बड़ा सुंदर तोता है, कितना बढ़िया से राम राम बोलता है। अब जब दूसरी रात्रि आई, तो जो 10 रुपए का तोता था उसको लेकर के आए अपने कक्ष में। तो जब रात्रि बीत गई और जब भोर हुआ, तो ये 10 रुपए वाला तोता लगा गाली देने। जो भी गालियां होती हैं सब सुना दिया। अब राजा को क्रोध आया, कहा इतना बड़ा हो गया, मैं राजा हूं और ये आज का आया हुआ तोता मुझे गाली सुना रहा है, आज तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा। दूसरे वाले तोते ने जैसे ही सुना कि मेरे भाई को मृत्यु दंड देने जा रहे हैं महाराज को बुलाया, निवेदन किया, कहा सरकार ऐसा मत करिए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए उसे। राजा ने कहा, एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आई कि तुम दोनों भाई हो लेकिन तुम दोनों में इतना बड़ा फर्क है, तुम राम राम बोलते हो और ये गाली देता है। उस तोते ने उत्तर दिया, कहा महाराज हम दोनों साथ ही में थे, एक बार उड़ते उड़ते
हम संतों के संग में चले गए और ये चोरों के साथ चला गया। अलग अलग हम हो गए, हमको संतों का संग प्राप्त हुआ, इसलिए हम राम राम बोलने लगे, और इसे चोरों का संग प्राप्त हुआ इसलिए ये उल्टे सीधे कार्य करने लगा, गाली देने लगा। ये सत्संग का असर है, सत्संग का परिणाम है, इसलिए क्षण भर का भी सत्संग जरूर प्राप्त करें, जितना समय हो उतना अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि सत्संग का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। साधक कहता है, तन धन धाम संग नहीं जावे सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य सत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति की जय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति की जय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति की जय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति की जय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। प्रभु से सा
नमस्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। क्षण भर का कुसंग प्राप्त हुआ प्रताप भानु को, परिणाम पूरे परिवार सहित राक्षस बन गए। वही प्रताप भानु रावण बने, उनका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और वही जो धर्म रुचि मंत्री थे उनके, वही भक्त विभीषण जी बने। भगवान राम के जन्म से पहले रावण की कथा आती है। रावण जब चलता था तो पूरी धरती डोलने लगती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, पूरी धरती डगमगाने लगती थी। सभी देवताओं को बहुत त्रास दिया रावण ने, सब त्रस्त थे। इधर रावण पाताल में जाकर के मैं नामक दानों की बिटिया मंदोदरी से जाकर के विवाह करके लाया। तीनों भाइयों ने तप किया, रावण कुंभकर्ण विभीषण जी ने। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मुझे मानव और मनुष्य और बानर छोड़ करके मुझे कोई दूसरा न मार पाए। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान दीजिए, 6 महीने जगूं, 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये 6 महीने जग गया तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को बुलाया, मति पलट गई। मांगना था 6 महीने जगूं, 1 दिन सोऊं, मांग लिया 6 महीने सोऊं, 1 दिन जगूं। वरदान दे करके आगे बढ़े, विभीषण जी के पास आए। भक्त विभीषण ने भगवान राम की विमल भक्ति मांगी है। तीनों वरदान पाकर के वापस आए हैं। रावण का आतंक बढ़ गया, गौ माता की हत्याएं होने लगी, धरती पर सब व्याकुल हो गए, धरती माता व्याकुल हो गई, त्राहिमाम करने लगी, सारे देवता व्याकुल हो गए, सभी विप्रजन व्याकुल हो गए। सब परेशान होकर के भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। भोलेनाथ से कहा, प्रभु कुछ उपाय करिए, कहाँ प्रभु मिलेंगे, भगवान श्रीहरि कहाँ मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हरि व्यापक सर वत्रा समाना। भगवान हर जगह है, जहां बुलाएंगे वहां प्रभु आ जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि प्रेमते प्रगटा
भगवान प्रकट तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, प्रेम से होंगे। आइए सब मिल करके बुलाते हैं भगवान को। भगवान की सब स्तुति करने लगते हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सबने भगवान की स्तुति की, भगवान को बुलाया, भगवान प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी हुई, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, डरिए मत मैं हूं और मैं अपने अंशों सहित अवतार लेकर के आऊंगा, चिंता मत करिए। भगवान भोलेनाथ ने तो कहा था कि भगवान प्रकट होंगे, क्यों प्रकट नहीं हुए? इसलिए नहीं प्रकट हुए कि भगवान भोलेनाथ की शर्त थी कि भगवान प्रेम से प्रकट होंगे, लेकिन जितने देवता बुला रहे हैं कोई प्रेम से नहीं बुला रहा है, सब डर के मारे भय के मारे बुला रहे हैं भगवान को, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, सब निश्चिंत हुए, सब अपने अपने धाम को लगे जाने। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, कहा भगवान के जाने से पूर्व हम सबको उनकी सेवा में पहले जाना पड़ेगा। सभी ने बानर रीछ का वेश बनाया और धरती पर आए सब वेश बदल करके। अब ये कथा थोड़ी यहाँ बदलती है, ये कथा पहुंची श्रीधाम अयोध्या जी में। श्रीधाम अयोध्या जी में अयोध्या का क्या वर्णन करना, जहाँ पर सरयू मैया की अमृत धारा बह रही है, जहाँ पर कनक बिहारी सरकार हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं, उस अयोध्या जी में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ विराजते हैं, जो कि धर्म की धुरी को धारण किए हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अवधापुरी रघु कुल मानिराऊ, अवधापुरी रघु कुल मानिराऊ, वेद विदिता तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदिता तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, 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 हृदय भगति मति अयोध्या जी में जो धर्म को धुरी को धारण किए हुए हैं, ऐसे महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ विराजते हैं, जिनके हृदय में भगवान राम साक्षात धनुष बाण लेकर के विराजमान हैं, ऐसी अयोध्या का क्या वर्णन करना। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, सब निगम आगम पुराण वेद पुराण शास्त्र सब मेरे बैकुंठ की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अवधपुरी मम प्रिय नहीं सोई, मुझे अयोध्या के समान बैकुंठ भी नहीं प्रिय है, और तो और मुझे अयोध्या से भी ज्यादा अयोध्या के लोग प्रिय हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ कै वासी, मुझे अयोध्या वाले अत्यंत प्रिय हैं। अब आप सोचते होंगे कि अयोध्या वाले ही सिर्फ भगवान को प्रिय हैं, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो अयोध्या में रहने वाले कई प्रकार के लोग हैं। किस प्रकार से? चार प्रकार से हम अयोध्या में रह सकते हैं, इसका वर्णन हम बाद में करेंगे। आइए पहले एक बहुत प्यारा पद है उसको गाते हैं। कि त्रिभुवन विदिता अवध जे करनुआ, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे राम, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे त्रिभुवन
अयोध्या जी में सीता महारानी जहां कौशलाज मैया, 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 भरत लखन रिपुहन भले भैया, भरत लखन रिपुहन भले भैया, भरत लखन रिपुहन जी में भगवान से प्रार्थना करिए कि जीवन में कहीं जाइए न जाइए, लेकिन एक बार श्री धाम अयोध्या जी में अवश्य जाइए और कनक बिहारी सरकार का अवश्य दर्शन करिए। अयोध्या का क्या वर्णन किया जाए, अयोध्या का वर्णन किया जाए तो पूरी एक कथा हो जाए। उस अयोध्या जी में महाराज दशरथ विराजमान है, लेकिन एक बार महाराज दशरथ को ग्लानि हो गई। क्या ग्लानि हुई कि एक बार भूपति मन माही भे गलानि मो रे सुत नाही। एक बार ग्लानि हो गई कि मेरी कोई संतति नहीं है। और आपको बताऊं, ऐसा नहीं था कि महाराज दशरथ के कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। महाराज दशरथ की एक पुत्री थी जिनका नाम शांता था, उनके मित्र का नाम था रोमपाद ऋषि। एक बार रोमपाद जी आए, उन्हें कोई संतति नहीं थी। महाराज दशरथ ने उन्हें वचन दिया कि मेरा पहला जो भी संतान होगा मैं आपको दे दूंगा। वचनानुसार उनकी एक पुत्री हुई शांता जी, और शांता जी को महाराज दशरथ ने रोमपाद ऋषि को दे दिया। रोमपाद ऋषि लेकर के गए और एक बार उनके नगर में अकाल पड़ गया। और उसी अकाल जब पड़ा
तो उसी समय श्रृंगी ऋषि आए और उनकी आने से अकाल समाप्त हो गया। उसी श्रृंगी ऋषि से शांता जी का विवाह संपन्न हो गया। महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं था। आज महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की हो गई है। अब एक बात बताइए, अगर कोई इस व्यास पीठ पे आए, कोई युवा आए और ये आशीर्वाद मांगे कि हे भगवान मुझे कोई पुत्र दे दो, तब तो उसे शोभा देता है। लेकिन अगर कोई 60 वर्ष का व्यक्ति बूढ़ा बाबा आए और कहे प्रभु मुझे पुत्र की कामना है, क्या उसे शोभा देगा? सब हंसेंगे कि इस उम्र में आप पुत्र की कामना करते हो, अरे ये उम्र है भगवान को पाने की। लेकिन महाराज दशरथ दौड़े भागे गए हैं गुरुदेव वशिष्ठ के पास और जा करके रोने लगे, कहे प्रभु मुझे कोई पुत्र नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। लेकिन इसमें एक गूढ़ रहस्य है, महाराज दशरथ को पुत्र नहीं चाहिए बल्कि पुत्र के रूप में वो भगवान को पाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान अवश्य आएंगे लेकिन कब आएंगे कोई ठिकाना नहीं था। और प्रतीक्षा करते करते 60,000 वर्ष के हो चुके हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और आपको बताऊं कि भगवान को पाने के लिए किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। पुत्र को पाने के लिए अवस्था की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को पाने के लिए सिर्फ आस्था की आवश्यकता होती है, न कि अवस्था की। भगवान को पाना चाहते थे पुत्र के रूप में, इसकी ग्लानि हो गई कि मैं इस उम्र का हो गया, अभी तक मेरा कोई पुत्र नहीं, अभी तक भगवान आए नहीं। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। महाराज दशरथ कहते हैं प्रभु मैं रो रहा हूँ, आप मुस्कुराते हैं। गुरुदेव ने कहा महाराज आप अपने आज को देख करके रो रहे हैं, मैं आपके कल को देख करके मुस्कुरा रहा हूँ। महाराज आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, अरे धरा हो धीरा होई भाई सोत चारी। और साधारण नहीं होंगे, त्रिभुवन विदिता भगत भय हारी। संसार में जो भी उनके भक्त होंगे सबके भय का हरण करने वाले आपके चार चार पुत्र होंगे, आप एक पुत्र की कामना लेकर आए हैं। और वही गुरुदेव वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए श्रीधाम अयोध्या जी में। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ, यज्ञ में से अग्निदेव चरू लेकर के कहें तो खीर लेकर के प्रकट हुए। आदेश दिया गुरुदेव वशिष्ठ से, कहा ये खीर तीनों रानियों को खिला दीजिए, आधा भाग कौशल्या आधा भाग कैकेयी। और इन दोनों रानियों से कहिए कि आधा आधा करके सुमित्रा को प्रदान करें प्रसन्न मन से। माँ कौशल्या ने आधा भाग लिया, माँ कैकेयी ने आधा भाग लिया और दोनों ने अपने में से आधा आधा भाग करके माँ सुमित्रा को दिया। आज माँ सुमित्रा ने वचन दिया माँ कौशल्या को, कहा आप दोनों बहनों ने मुझे ये प्रसाद दिया, जाइए मैं वचन देती हूँ कि अगर मुझे दो दो पुत्र हुए तो इन दोनों पुत्रों को आपके पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। लक्ष्मण जी हुए, शत्रुघ्न जी हुए माँ सुमित्रा को, लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा में, शत्रुघ्न भैया को भरत जी की सेवा में माँ सुमित्रा ने लगा दिया था। जैसे ही तीनों माताओं ने खीर खाया, माँ के अंक में भगवान आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जा दिन ते हरे गर भैया आए, जा दिन ते हरे गर भैया आए, जा दिन ते हरे गर भैया आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महा सब माताओं के अंक में भगवान का अवतार हो गया। चार महीने बीते, छह महीने, सात महीने, आठ महीने, नौवां महीना भी बीत गया, भगवान नहीं आए। दसवां महीना बीत गया,
ग्यारहवां महीना भी बीत गया, बारहवां महीना जब लगा, 12 महीने के पश्चात भगवान राम का अवतार हुआ। ध्यान रखिएगा इस बात को, भगवान का अवतार 12 महीने के बाद हुआ। और एक गूढ़ बात और, भगवान खीर खाने से ही क्यों आए? कोई और भी चीजें खा सकती थी माताएं? खीर खाने का अर्थ है, देखिए, किसान जब खेत में मेहनत करता है और जब फसल लगाता है तो धान उगाता है, और धान को जब कूट करके उसे बाहर करके चावल निकाला जाता है उसे, तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले चावल की आवश्यकता होती है। चावल का अर्थ है ये कर्म रूपी चावल। दूसरा, दूध की आवश्यकता होती है, तो दूध बुद्धि का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है, अर्थात विवेक रूपी दूध। और जब तक इस कर्म रूपी चावल और विवेक रूपी दूध में जब तक शक्कर नहीं पड़ेगा तब तक खीर अच्छी नहीं लगेगी। अर्थात शक्कर का अर्थ है भक्ति रूपी, जब तक चीनी नहीं मिलेगी तब तक खीर बन करके तैयार नहीं होगा। इसीलिए कर्म रूपी चावल, विवेक रूपी दूध और भक्ति रूपी शक्कर जब मिला तो भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान के आने का समय हुआ। जैसे ही भगवान के आने का समय हुआ सब अनुकूल हो गए। जो अयोध्या जी में सरयू मैया जल बहाती थी आज वो अमृत बहाने लगी। पानी के स्थान पर सारे पर्वत मणियों से जड़ित हो गए, सारे संत महात्मा अयोध्या जी में चले आए, सभी देवी देवता चले आए, सब आकर के प्रभु का गुणगान करने लगे। वो स्वामी जी कहते हैं कि जोग लगन ग्रहवार तिथि जब सकल भय अनुकूल, तो फिर चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रहवार तिथि जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान का अवतार नवमी तिथि के दिन में 12 बजे, चैत का महीना था, उस समय भगवान का प्राकट्य हुआ। अब देखिए भगवान का जन्म नवमी तिथि के दिन ही क्यों हुआ? अष्टमी को भी हो सकता था, सप्तमी को भी हो सकता था, लेकिन नवमी के दिन ही क्यों हुआ? एक मैथ का क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप सभी से कि सबसे गणित में अभाज्य संख्या छोटी कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, 9 है। 9 का पहाड़ा आप पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 8 एक 9, 9 3 27, 7 2, 9 चौके 6 3, 9 5 5 4, 9 6 5 4, 9 7 6 3, 9 8 72, 7 2, 9 9 8 1 9। अर्थात आप 9 का पहाड़ा पढ़ जाइए, कहीं कट नहीं सकता। भगवान इसीलिए नवमी के दिन आए क्योंकि भगवान के जीवन में कहीं भी कोई भी समस्या आई, चाहे जैसे भी परिस्थितियां रही, लेकिन भगवान सदैव मर्यादित रहे, उनकी मर्यादा कभी विभाजित नहीं हुई, कभी भंग नहीं हुई, इसलिए भगवान का प्राकट्य नवमी तिथि के दिन हुआ। दिन के 12 बजे, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, 1 मिनट की, 1 सेकंड की, 1 घंटे की, और ये जब तीनों सुइयां 12 बजे ठीक एक साथ होती हैं तब जाकर के 12 बजता है। अर्थात मैं अरु मोर तोर तय माया, ये जब तीनों से परे होकर के हम भगवान के तरफ देखेंगे, भगवान को बुलाएंगे, तब जाकर के भगवान का प्राकट्य होगा। और उसी समय भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा, देवी वो नीचे देखो। भगवान के जैसे ही आने का समय हुआ,
सब प्रसन्न हो गए, सारे देवी देवता लगे भजन कीर्तन करने। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, नीचे देखो क्या हो रहा है। क्या हुआ? अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन श्री राम। माँ कौशल्या ने देखा, कह रही इतना बड़ा हमारे अंग में था। भगवान राम को माँ देखने लगी, भगवान राम के रोम रोम में करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं, पूरी अयोध्या दिखाई पड़ रही है, स्वयं माँ कौशल्या दिखाई पड़ रहे हैं, जो माया जीव को नचाती है वो भी दिखाई पड़ रही है, सब दिखाई पड़ रहे, पूरा संसार दिखाई पड़ रहा है। मां सोचने लगी कि इतना बड़ा हमारे अंक में था, अरे अगर इस बात को हम किसी से कहने जाएंगे तो क्या मेरी बात का कोई विश्वास करेगा? कि मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीरा मति धीर ना रहे। इस बात को कोई मानेगा नहीं, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा,
माँ देखने लगी भगवान को। भगवान ने कहा, माँ आपने तो कहा था कि मेरे पुत्र के रूप में आप आना, आपने कहा मैं चला आया, अब बताओ आगे मुझे क्या करना है। माँ ने कहा कि कहीं बच्चे इतने बड़े होते हैं, अरे छोटे बन जाइए। भगवान 10 साल के बन गए। कहा माँ आप ठीक है? कहा नहीं अभी ठीक नहीं है, और छोटे बनिए। भगवान 2 साल के बन गए। कहा आप ठीक है? कहा अब भी ठीक नहीं है, बिल्कुल गोद में लेने लायक बनिए। भगवान कहे, माँ पहले से मुझे आइडिया नहीं था, पहली बार कर रहा हूँ। भगवान गोद में लेने लायक बन गए। कहा माँ अब तो ठीक है? माँ कौशल्या ने कहा, देखो जो बच्चे पैदा होते हैं वो बात नहीं करते, और आप तो बक बक किए जा रहे हो। भगवान मौन हो गए। कहा माँ अब कुछ छूटा है वो बता दो। माँ ने कहा, देखो जो बच्चे पैदा होते हैं वो रोते हैं, जब तक आप रोगे नहीं पता कैसे चलेगा कि आपका जन्म हो चुका है। माँ ने कह दिया। जैसे ही भगवान राम भी सोचने, कहे माँ आपने रोने के लिए कहा ना, संसार का बालक पैदा होता है वो भी रोता है, लेकिन आज मैं इतना रोऊंगा कि जब तक पूरे संसार वालों को पता न चल जाए कि भगवान का अवतार हो चुका है तब तक रोऊंगा। माँ ने एक गलती कर दी। माँ ने कहने को तो कह दिया कि भाई रो देना, रोना है आपको, लेकिन ये कहना भूल गए कि 5 मिनट रो के चुप हो जाना। गोस्वामी जी एक एक व्यवहार का दर्शन कराए हैं रामचरितमानस में। भगवान क्या किए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। हमारे अवधि में ठानने का अर्थ होता है कि जो कार्य एक बार ठान लिया गया वो फिर अब रुकने वाला नहीं है। लोग कहते हैं ना ब्याह ठनाई हुआ, अर्थात रुक नहीं सकता। वैसे ही अब भगवान रोना प्रारंभ कर दिए तो फिर रोते ही चले गए। द्वार पर दासियां कान लगाए हुए खड़ी थी। जैसे ही रोने की आवाज पहुंची, दौड़ी भागी गई महाराज दशरथ के पास और जाकर के कहा, महाराज आपको बधाई हो, आपको बधाई हो, आपको बधाई हो, आपके घर लल्ला का जन्म हुआ है। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, लगे अपने गले से माला निकाल करके हीरे मोती सोने चांदी लगे लुटाने। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो दशरथ। Na na na.
कहा परमानंद में चले गए। बड़े भाव से भगवान की बधाई में गाते हुए नाचते हुए आएंगे। अरे इललना का बोलाए बजावा हूं बाजा जन्म सुनी हो, इललना का बोलाए बजावा हूं बाजा जन्म सुनी हो, इललना का बोलाए बजावा बाजा जन्म सुनी हो, इललना सरकार की। महाराज दशरथ लगे सबको बधाइयां देने और आज देखिए सारी माताएं बहनें भी लाइन से आ रही हैं बधाई देने के लिए। आइए तब तक एक बड़े भाव से बधाई गाएंगे। अरे जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया यहां माताएं बहनें लुटा रही हैं कि हो लुटावे लायन धन सुनावा, अरे केहू केहू
तीन मैया अवध आज बाजे बधैया धन्य धन्य तीन मैया अवध आज बाजे बधैया बधाई हो जी में आज सभी आकर के बधाई गा रहे हैं, आप लोग भी गाइए बड़े भाव से। बंदी जन बिरुदावली गावे सावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया फूल बर सावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया फूल बर सावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए एक और बधाई गीत के साथ आज की कथा को विश्राम करेंगे। अरे चार चार प्रगटे ललनवा चार चार प्रगटे ललनवा अवधवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे जा रहे हैं। और
कागा कागा करे कीर्तनवा अवधवा में बाजे वजनवा कागा करे कीर्तनवा अवधवा में बाजे वजनवा बड़े भाव से जैसे आप लोग सब कुछ भुला करके आज इस भगवान के जन्म में नृत्य कर रहे हैं, उसी तरह उस समय भी सब अपनी सुधि भूल गए। कहते हैं तन सुधि भूला मगन होई नाचत, तन सुधि भूला मगन होई नाचत, तन सुधि भूली मगन होई नाचत, तन सुधि भूली मगन होई नाचत। कौन नाच रहा है? शैला शैला सुता के सजनवा अवधवा में बाजे बजनवा, शैला सुता के सजनवा अवधवा में बाजे और जितने ऋषि मुनि हैं सब वेश बना करके आज अयोध्या जी में आए हुए हैं। सखी बनी नाचे लागे सिद्ध मुनि, सखी बनी नाचे लागे सिद्ध मुनि, सखी बनी नाचे लागे सिद्ध मुनि, सखी बनी नाचे लागे सिद्ध मुनि। और बस में रहा नहीं मनवा अवधवा में बाजे बजनवा, बस में रहा नहीं मनवा अवधवा में बाजे सरकार की, बोली भरत लला सरकार की, बोली लक्ष्मण लला सरकार की।
बोले शत्रुघ्न लला सरकार की। आप सभी को राम जन्म की बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ आज की इस कथा को विश्राम करते हैं। आइए दो बार प्रेम से हरि नाम संकीर्तन कि हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे राम।